हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय जेसी जौहरी। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम जेसी जौहरी की बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है इसके बारे में रेकमेंड की जाती है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं एक्सपर्ट्स, तो वो है जेसी जौहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हम ये बुक ले भी लेते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा टफ़ होती है। तो इसीलिए यही मैं आपके लिए आसान कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बुक टू यू। तो ये मैं बुक के पूरे लेसन एक्सप्लेन करूँगी, इसकी हम सीरीज़ वन बाय वन अपलोड करते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले इसको शुरू करते हैं। तो ये जेसी जौहरी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक है, इसमें पार्ट वन है, उसमें कुछ लेसन्स दिए हुए हैं, उसके बाद पार्ट इसका टू है। सो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट, अप्रोचेज एंड थ्योरीज, जिसमें कि जो भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेज हैं और थ्योरीज हैं वो दी होंगी। सो फर्स्ट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्ल डाइश की एक डेफिनेशन दी गई है, तो इसको हम देख लेते हैं। More recently, modern social science has increased our powers to observe and compare systematically this empirical world of facts around us and to subject many of these facts and processes to quantitative measurement and logical and mathematical analysis. तो इसमें explain किया गया है कि comparative politics ने क्या क्या हमारे लिए इजी कर दिया है। मॉडर्न जो सोशल साइंस है उसने इंक्रीज़ कर दिया है हमारी पावर को, किस पावर को, ऑब्जर्व करने की, कंपेयर करने की, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में जो फैक्ट है उन फैक्ट्स को क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए सब्जेक्ट करना और लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस करना उनका। तो जो मॉडर्न सोशल साइंस है इसमें इसने हमारी जो पावर्स को बेसिकली कंपेयर करने की पावर्स को इंक्रीज कर दिया है। एट द सेम टाइम द बिहेवियरल साइंस हैव गिवन अस अ गुड डील ऑफ न्यू एंड पार्टली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एज टू हाउ पीपल थिंक, फील, प्रसीव एंड एक्ट इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। तो जो बिहेवियरल साइंस है इसने हमें जो ग्रेट डील ऑफ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, न्यू और नई और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दी है कि लोग कैसे सोचते हैं, फील करते हैं, परसीव करते हैं, एक्ट करते हैं। तो इसी के बारे में हम, तो यही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने कैसे हमारी लाइफ्स को और इजी बना दिया है। हमें ज़्यादा समझ हो गई है चीज़ों की, पहले से ज़्यादा हम ज़्यादा कंपेयर करके चीज़ों को देखते हैं। सो शुरू करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वर्चुअली कंस्टिट्यूट अ स्टडी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेंडिंग होरिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वेयर इन वी सीम टू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ डाउट्स एंड डार्कनेस टू अ हायर प्लेटू। सो यहाँ तक क्या कहा है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस का जो होरिजन है, जो इसका एरिया है वो कितना एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, प्लेन्स ऑफ डाउट्स एंड डार्कनेस। क्योंकि स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं, तब क्योंकि हमें इतना किसी की भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, डाउट से लेकर हम कहाँ तक पहुँचे, हायर प्लेटू तक, मतलब हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पे पहुँचे। कैसे कि शुरू में हमें इतना इसके बारे में नहीं था, लेकिन धीरे 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 डेवलप होता गया, जैसे जैसे हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती गई, तो हम डार्कनेस से निकलकर, अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ पे हम कंपेयर करके चीज़ों को रैशनैलिटी के साथ सोचते हैं। टू सी व्हाट आर पैशनेट एंडेवर्स पर्टिकुलरली ऑफ स्केप्टिकल डिकेड ऑफ द 1950s एंड द डिटरमाइंड डिकेड ऑफ द 1960s हैव प्रोड्यूस्ड। तो जो हमारे पैशनेट इंडेवर्स जो हमने जतन किए इस फील्ड में, स्केप्टिकल डिकेड ऑफ द 1950s मतलब जो 1950 की डिकेड थी, स्केप्टिकल मतलब शक वाली,
जिसमें कि हमें डाउट्स थे, बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, जो कि कब जाके क्लियर हुए, डिटरमाइन डिकेड ऑफ द 1960s. तो 1960s की जो डिटरमाइन डिकेड है, जिसमें कि हमारे डाउट्स क्लियर होने शुरू हो गए थे, ऑलमोस्ट क्लियर थे, तो ये सब इसने प्रोड्यूस किया है. इन विच अर्लियर हाई पॉइंट्स ऑफ द डिसिप्लिन हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर अर्सवाइल इम्पोर्टेंस, जिसमें कि जो पुराने अर्लियर हाई पॉइंट्स, जो पुराने थे वैल्यूज़, जो भी पुराने विचार थे, वो उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी, मतलब जो पुराने थे वो पीछे रह गए और एटलीस्ट आर नाउ सीन इन न्यू लाइट. या तो वो पीछे रह गए या फिर वो अब एक नए तरीके से उनको देखा जाने लगा. एंड दोज हु सिग्निफिकेंस सफर्ड बाय नेगलेक्ट हैव इमर्ज्ड इन आर पर्सपेक्टिव्स एंड अवेयरनेस इन द वेल ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज. जो जिनको निगलेक्ट कर दिया गया था, वो हमारे पर्सपेक्टिव में कैसे इमर्ज हुए, इन द वेल ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज के तौर पे वो इमर्ज हो गए. सो इसका यही है पूरे पैरे का क्रक्स, कि किस तरह जो है ये सब्जेक्ट है, इसकी स्टडी डाउट से निकल कर अवेयरनेस की तरफ आई, मतलब डार्कनेस से निकलकर हायर प्लेटो की तरफ. 1950s थी ये डाउट की डिकेड थी, उसके बाद 1960s डिटरमाइंड डिकेड उसके बाद आई, मतलब कुछ चीज़ें निगलेक्ट हुई, कईयों को नए आइडियाज़ के साथ, नए प्रस्पेक्टिव के साथ एक्सेप्ट किया गया. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. नेक्स्ट इज विच कंटेन्स बोथ रशिंग टॉरेंट्स, जिसमें कि पॉलिटिकल नॉलेज, जिसमें कि दोनों चीज़ें आती हैं, रशिंग टॉरेंट्स, पॉलिटिकल प्रोसेस एज अ होल. तो या तो हम पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को एज ए होल समझें, पूरे को इकट्ठे को एक साथ, या फिर एज वेल एज लिंक्ड पूल्स, स्पेक्यूलेटिव पॉलिटिकल थॉट. तो या फिर हम उसको गैसेस के बेसिस पे, मतलब कई बार हम गैस करके, स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन गैसिंग विदाउट नोइंग ऑल फैक्ट्स, हमें सारे फैक्ट्स पता नहीं है लेकिन हम गैस करके कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो रशिंग टोरेंट्स एज वेल एज लिम्ड पूल्स, तो एज अ होल भी हमने उस चीज़ को समझा और उसको थोड़ा थोड़ा करके भी हमने समझा. वट हैज़ प्लेड द रोल ऑफ मोटिवेटिंग फोर्सेज इन द इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन इज द क्वेस्ट टू स्टडी पोलिटिकल रियलिटी. जो मेन रोल किसने निभाया इसमें, मोटिवेटिंग फोर्स का रोल किसने निभाया, किसने मोटिवेट किया, जो थी पॉलिटिकल रियलिटी को ढूंढने की जो चाह थी उसने, मतलब लोग जो थे वो पॉलिटिकल रियलिटी को समझना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, इसीलिए ये जो इसने एक मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में रोल निभाया. By means of new techniques, किस तरह पढ़ना चाहते थे political reality को, new techniques की मदद से, new approaches की मदद से, in a way so that the entire area of political may be covered. इस तरह से कि जिस तरह सारा जो political politics का area है वो cover हो जाए, कोई भी sector है वो politics का छूटे ना, मतलब हर एक sector को cover किया जाए और नई techniques से, नई approaches से study की जाए इनकी. As a result, not a study of the government but of the governments has become central concern. जिसका नतीजा क्या हुआ, सिर्फ एक गवर्नमेंट की स्टडी नहीं, गवर्नमेंट्स की स्टडी होने लगी, मतलब मोर देन वन, आप कह सकते हो पूरी जितने भी गवर्नमेंट्स थी उनको आपस में कंपेयर किया जाने लगा और उनकी स्टडी स्टार्ट की गई. has become central concern, central concern बन गई, जिसमें कि taking of decision, वो सारे डिसीज़न चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो और इन पैरिश काउंसिल में हो, चाहे वो डिसीज़न इन अ ट्रेड यूनियन और इन अ पेपल कंक्लेव, इन अ बोर्ड रूम और इन अ ट्राइब, मतलब कहीं का भी डिसीज़न हो, ये सारा अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंसर्न बन चुका था. ये सारे अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कवर होने लगे थे, चाहे आप डिसीज़न कहीं पर भी ले रहे हो तो इनको कंपेयर करा जाने लगा. Comparative politics has appeared as a subject of momentous significance on account of this vital reason that a great deal of experimentation is now going on. तो इसीलिए भी ये जो comparative politics है वो important बना, क्योंकि great deal of experimentation is going on
विद न्यू अप्रोचेस, न्यू डेफिनेशन. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे थे, चाहे वो न्यू अप्रोचेस की बात करें, नई नई अप्रोचेस आ रही थी, नई डेफिनेशंस, नए रिसर्च टूल्स. तो इसीलिए भी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर तरफ जो थी नई अप्रोचेस अडॉप्ट की जाने लगी थी. परहैप्स द मेन रीज़न फॉर द प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल फर्मेंट इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू द सब्जेक्ट. चाहे मेन रीज़न जो है प्रेजेंट इंटेलेक्चुअल फर्मेंट होता है सोशल चेंज, एक्साइटमेंट कह सकते हो आप, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल एक्साइटमेंट एंड चेंज. तो जो अब की सिचुएशन में इंटेलेक्चुअल फर्मेंट जो आया है, इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट या सोशल चेंज आया है, इसका जो रीज़न है वो क्या है? फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. जो पुरानी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच चल रही थी उससे लोग डिससेटिस्फाई थे, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए जो है न्यू अप्रोच की तरफ मूव ऑन कर रहे थे लोग. तो इस सब्जेक्ट की जो पुरानी अप्रोच से डिससेटिस्फाइड होकर लोग जो है न्यू अप्रोच को, न्यू थिंकिंग को, न्यू अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे थे. सो इस बारे में बेसिकली यही है कि किस तरह से स्टार्टिंग में इसको, ये सब्जेक्ट है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसको डार्कनेस से अब की सिचुएशन में लाया गया, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे ज़ीरो से हायर प्लेट्यू की तरफ लेके गए हैं जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं. 1950s में ये डार्कनेस की तरफ था, ये डाउट वाली डिकेड थी. 1960s से इसका राइज होने लगा धीरे धीरे, कैसे एक गवर्नमेंट से गवर्नमेंट्स की तरफ, एक गवर्नमेंट से बढ़े, ये गवर्नमेंट्स की तरफ मतलब एक कंट्री के डिसीज़न से कहाँ पहुँचे, ज़्यादा सारी कंट्रीज़ के डिसीज़न आप लगा लो, कहीं पे भी कोई डिसीज़न हो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कंसर्न बन चुका था. तो इस तरह जो ये सब्जेक्ट है ये इम्पोर्टेंस इसने गेन करी, इस तरह ये डेवलप हुआ. आगे हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, एमर्जेंस ऑफ न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स. तो इसका ये सब हम इस अभी देखते हैं. पॉलिटिक्स इज़ अ कंटिन्यूस, टाइमलेस, एवर चेंजिंग एंड यूनिवर्सल एक्टिविटी हैविंग इट्स की मैनिफेस्टेशन इन द मेकिंग ऑफ डिसीजन टू फेस एंड सॉल्व प्रेडिकमेंट. सो एक कंटिन्यूस पॉलिटिक्स क्या है? कंटिन्यूस लगातार चलने वाली, टाइमलेस, ये तो है नहीं कि इतने टाइम में शुरू होगी और इतने टाइम में ख़त्म होगी, टाइमलेस है ये. एवर चेंजिंग, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कंट्री की है, यूनिवर्सल है हर जगह की एक्टिविटी. हैविंग इट्स की मैनिफेस्टेशन इन मेकिंग ऑफ ए डिसीजन, जिसमें कि डिसीजन लिए जाते हैं किस लिए? टू फेस एंड सॉल्व प्रेडिकमेंट. प्रेडिकमेंट होती है कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं. इट फ्लोज फ्रॉम ए स्पेशल काइंड ऑफ एक्टिविटी. ये कहाँ से शुरू होती है? एक स्पेशल एक्टिविटी के रूप में ये शुरू होती है. अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो एक ह्यूमन का बिहेवियर शुरू होती है एक एक्टिविटीज से, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते एक ह्यूमन बिहेवियर बनाती है. इट रेफर्स टू द मेकिंग और टेकिंग ऑफ ए डिसीजन इन विच सम पॉलिटिकल एक्शन इज इन्वॉल्व. तो जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे रैंडमली नहीं होते कि किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन, इसमें सिर्फ वो डिसीजन होते हैं जिसमें कि कुछ पॉलिटिकल एक्शन इन्वॉल्व हो, मतलब कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर इस स्फीयर में जो भी चीज़ें आती हैं उनसे रिलेटेड उसके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं. इट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट पोलिटिकल साइंटिस्ट डिफाइन एंड इंटरप्रेट द टर्म पोलिटिकल एक्शन इन देयर ओन वेज. ये अलग बात है कि जो पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो पोलिटिकल जो इसको डिफाइन करते हैं पोलिटिकल एक्शन को, वो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं इन देयर ओन वेज दैट एस्क्राइब टू देम द टाइटल ऑफ बींग अ कंजर्वेटिव और अ ट्रेडिशनलिस्ट और अ मॉडर्निस्ट. तो वो अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल एक्शन को, पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं जिसके हिसाब से उनको कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट या फिर मॉडर्निस्ट कहा जाता है. उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम उनको ट्रेडिशनलिस्ट या मॉडर्निस्ट कह देते हैं. सो नेक्स्ट है,
इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट वाइल ऑक्सशॉट डिफाइंस पोलिटिकल एक्टिविटी एज एन, तो इसीलिए जो ऑक्सशॉट है, ऑक्सशॉट हमें पता है कि एक कंजर्वेटिव है, वो पोलिटिकल एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, एज एन एक्टिविटी इन विच ह्यूमन बींग्स रिलेटेड टू वन अनदर एज मेम्बर ऑफ अ सिविल एसोसिएशन, जिसमें कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, एक सिविल एसोसिएशन के मेम्बर के फॉर्म में. ठीक है. थिंक एंड स्पीक अबाउट द अरेंजमेंट्स एंड द कंडीशन ऑफ दिस एसोसिएशन. तो एक सिविल एसोसिएशन के मेम्बर के तौर में आपस में वो जुड़े होते हैं, वो उसके उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं कि जो उसके उनकी एसोसिएशन, उसमें अरेंजमेंट्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, तो उसी के बारे में वो बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर डिज़ायरेबिलिटी. तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. मेक प्रपोजल्स अबाउट चेंजेस इन देयर अरेंजमेंट्स, अपने अरेंजमेंट्स में चेंज करने के बारे में प्रपोजल्स रखते हैं. अरेंजमेंट्स एंड कंडीशंस, कंडीशंस के बारे में चेंज करने के बारे में अपने प्रपोजल रखते हैं. ट्राई टू प्रिसर्व अदर्स ऑफ द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द प्रपोज चेंजेस एंड एक्ट इन सच अ मैनर एज टू प्रमोट द चेंजेस. तो दूसरों को प्रसुएड करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने डिसीजन मनवाने के लिए उनको प्रसुएड करना, और ताकि जो चेंज उन्होंने सुजेस्ट किया है वो लाया जा सके. तो जो डेविड ईस्टन है, treats it as an action for the authoritative allocation of values. तो डेविड ईस्टन की ये फेमस डेफिनेशन हम सबको पता है. तो डेविड ईस्टन इसको कैसे ट्रीट करते हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, मतलब हम इसको इसको कुछ एक वर्ड्स में कहना तो हम कहेंगे वो वैल्यूज़ जो मेजॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं, तो उनको हम कहेंगे अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज. तो डेविड ईस्टन इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. हैरोल्ड और लासवेल जो हैं और रॉबर्ट डाहल डिस्क्राइब इट एज स्पेशल केस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर. तो वो इसको पावर को एक्सरसाइज करने के बारे में बात करते हैं. एंड जीन ब्लॉन्डल लेज इम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ डिसीजन टेकिंग. जीन ब्लॉन्डल जो हैं वो डिसीजन टेकिंग पे इम्फेसिस देते हैं. हाउएवर अ फाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म पोलिटिकल एक्टिविटी इज दस गिवन बाई ऑक्सशॉट. तो ऑक्सशॉट ने पोलिटिकल एक्टिविटी की एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है, जिसमें वो कहते हैं इन पोलिटिकल एक्टिविटी देन मैन सेल अ बाउंडलेस एंड बॉटमलेस सी. देयर इज नीदर हार्बर फॉर द शेल्टर नोर फ्लोर फॉर एंकरेज नीदर स्टार्टिंग प्लेस नॉर अपॉइंटेड डेस्टिनेशन. तो जो ऑक्सशॉट हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को ऐसा बताते हैं कि एक मान लो एक समंदर है जिसमें हम कुछ एक ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो एक जहाज़ में हैं ना ही. तो ये बाउंडलेस और बॉटमलेस सी है जिसमें ना ही कोई किनारा है, ना ही तो कहीं पे रुकने का किनारा है, या ना कहीं हम रुक सकते हैं, ना ही हम कहीं सहारा ले सकते हैं. नीदर स्टार्ट ना ही कोई स्टार्टिंग प्लेस है जिसका, ना ही कोई एक डेस्टिनेशन है, मंजिल है जहाँ पर पहुँचना है. बस द एंटरप्राइज इज़ टू कीप अ फ्लॉट ऑन अ इवन कील. बस ये है कि कोशिश ये है कि बस वहाँ पे बहते रहना है, डूबना नहीं है. द सी इज़ बोथ फ्रेंड एंड एनिमी. जो सी है वो फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है. तो इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी इसी तरह है. इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई एंड पॉइंट है. हमने ना ही कोई हम कहीं पर भी सहारा लेने के लिए रुक सकते हैं. हमें बस चलते रहना है, चलते रहना है. द सी इज़ बोथ फ्रेंड एंड एनिमी. जो भी ये हमारे पास आसपास का इन्वायरमेंट है जिसमें हम डिसीज़न लेते हैं, वो हम पे ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे डिसीज़न सही होंगे. कई बार हम पे उल्टे भी पड़ सकते हैं, तो कई बार हमें चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, तो कई बार हमारी सिचुएशन मुश्किल में भी पड़ सकती है. तो इस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या इसका एंड पॉइंट है. ऐसा भी नहीं है कि इसमें हर बार हमें फ़ायदा ही होना है. तो फ्रेंड एंड एनिमी दोनों हैं. जो ये जो समंदर है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंपेयर किया उन्होंने समंदर से, तो ये हमारा फ्रेंड भी है, एनिमी भी है. तो इसको उन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन माना है. इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द टर्म पॉलिटिक्स हैज़ थ्री कनोटेशंस.
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में जो टर्म पॉलिटिक्स है इसकी 3 कॉनोटेशंस है। कॉनोटेशंस मतलब लिटरल मीनिंग से हटकर जो उसकी डेफिनेशन होती है, एक तो उसकी लिटरल डेफिनेशन होती है, एक उससे जो हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं कॉनोटेशंस। कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एक्टिविटी भी आती है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी आता है और पॉलिटिकल पावर भी आती है। एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, पॉलिटिकल एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ द एफर्ट्स बाय विच कंडीशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट आर क्रिएटेड एंड रिजॉल्व्ड। तो जैसा कि पहले भी पॉइंट आउट किया जा चुका है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो सारे एफर्ट्स आते हैं जिनसे कि वो सारी कंडीशंस आती हैं जिनसे कि कन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी झगड़ा या टेंशन की सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट क्रिएट भी किए जाते हैं और रिजॉल्व भी किए जाते हैं इन अ वे, इस तरीके से प्रिटेनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जिससे कि लोगों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। एज़ फार एज़ पॉसिबल हु प्ले देयर पार्ट इन स्ट्रगल फॉर पावर, उन लोगों के हितों के जो कि स्ट्रगल फॉर पावर में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। द रिडक्शन ऑफ टेंशन और द रेजोल्यूशन ऑफ ए कन्फ्लिक्ट नेचुरली टेक प्लेस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ परमानेंट मैकेनिज्म ऑफ टेंशन। तो ये जो चलता रहता है कि कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं, उनके सॉल्यूशंस आते हैं, लोगों के हितों को ध्यान में रख के उनके जो भी हैं फैसले दिए जाते हैं, टेंशन रिडक्शन मैकेनिज्म के द्वारा, परमानेंट मैकेनिज्म ऑफ टेंशन रिडक्शन एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्दर रिजर्व मैकेनिज्म डिजाइंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट इन एमरजेंसीज। तो इस तरह कन्फ्लिक्ट बढ़ने की सिचुएशन में उनको रिजॉल्व भी किया जाता है ताकि जो ये टेंशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इफ़ पॉलिटिक्स मीन्स द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, सम मेजर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज़ बाउंड टू अराइज। अगर जो पॉलिटिक्स है ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब मेजॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट की गई वैल्यूज़ हैं, तो सम मेजर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज़ बाउंड टू अराइज। तो इसका मतलब कुछ एक कन्फ्लिक्ट तो होने ही होने हैं, क्योंकि वैल्यूज़ एज डिज़ायर्ड बाय पीपल एंड वैल्यूज़ आर हेल्ड बाय मैन इन पावर। क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो हर एक किसी की सेम नहीं होती, हर एक किसी का खुद का ओपिनियन होता है, तो इस तरह से जो इनमें कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। दस अराइज कन्फ्लिक्ट दैट डिमांड देयर सोल्यूशन एंड वट लीड्स टू एफर्ट इन दिस रिगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं तो इनकी डिमांड होती है, कन्फ्लिक्ट की डिमांड है कि उसका सोल्यूशन निकाला जाए, तो कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन तो निकालना ही होता है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये है पॉलिटिकल एक्टिविटी। इट इज़ द गवर्नमेंट दैट हैज़ टू सॉल्व दिस कन्फ्लिक्ट बाई वट एवर मैनर्स आर एट इट्स डिस्पोजल, दैट ओनली लिमिटेशन बींग दैट इन सो डूइंग इट मस्ट प्रिवेंट द ब्रेकअप ऑफ द पॉलिटी। तो इस जो कन्फ्लिक्ट है इसका सोल्यूशन किसने निकालना है? गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी मीन्स को यूज़ करके निकाले। लेकिन इस पर सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो ये है कि इससे जो है पॉलिटी है वो नहीं ब्रेकअप होनी चाहिए। मतलब जो भी पोलिटिकल प्रोसेस इन्होंने यूज़ करना है उससे जो चल रही कंट्री में चल रही पॉलिटी है वो ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स सीजेस वेयर सेसेशन एंड इंडीड सिविल वार बिगन। इससे क्या होता है कि जो सिविल वार है वो बिगन हो जाती है, सिविल वार शुरू हो जाती है। एट दैट पॉइंट देर इज़ नो लॉन्गर अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो इस पॉइंट पे पहुंच के कोई भी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ नहीं रहती, क्योंकि सिविल वार इसीलिए हुई ना कि उनकी वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं कर रही, मेजॉरिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो अप्लाई नहीं हो रही। तो इस पॉइंट पे आके ये फिर ख़त्म हो जाती है। बट टू साइड एलोकेटिंग देयर वैल्यूज़ डिफरेंटली, तो दो साइड्स इमर्ज हो जाती हैं जो अलग अलग से अपनी वैल्यूज़ बता रही हैं। It should, however, not be inferred from this statement that there is nothing like political activity during these days of civil war. लेकिन इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए कि सिविल वॉर के दिनों में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती और सम रेवोल्यूशनरी अपहेवल या फिर कोई क्रांतिकारी अप डाउन नहीं होता।
इट सिंपली मीन्स दैट एज सच एन इवेंचुअलिटी कॉन्स्टिट्यूट अ हाई पॉइंट ऑफ टेंशन इन द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी. तो इससे सिर्फ ये इसका मतलब है कि इससे जो कम्युनिटी की नॉर्मल जो पीपल है उनकी लाइफ में एक टेंशन का पॉइंट आ जाता है. द रोल ऑफ पोलिटिकल एक्शन मस्ट कंसिस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द कम्युनिटी फ्रॉम रीचिंग सच पॉइंट. तो पॉलिटिकल एक्शन जो है इसका रोल यही है कि कम्युनिटी को इस पॉइंट पे पहुंचने से बचाना है, इस टेंशन हाइपर टेंशन की पॉइंट पे पहुंचने से कम्युनिटी को बचाना है. इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स के सोल्यूशन सजेस्ट करने चाहिए जिससे कि कम्युनिटी इस पॉइंट पर ना पहुंचे कि उनमें इतनी टेंशन हो जाए. नेक्स्ट है पॉलिटिक्स नॉट ओनली कॉनोटेट्स पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट ऑल्सो इम्प्लाइज ट्रेन ऑफ एक्टिविटीज एफर्ट्स डायरेक्ट टुवर्ड्स creating the condition of tension and having their resolution until the point of spontaneous unanimity is achieved. तो political politics में सिर्फ political activity नहीं होती, बहुत सारी activities होती हैं directing towards, जिसमें कि tension की situation जो है वो emerge होती हैं, उनके solution किए जाते हैं. तब तक कब तक, जब तक कि spontaneous unanimity achieve ना कर ली जाए, जब तक कि सारी सिचुएशन मतलब यूनैनिमिटी मतलब जब जहाँ पे सभी की राय एक है, सभी सहमत हैं जिस सिचुएशन पे, वो सिचुएशन अचीव ना कर ली जाए तब तक ये जो एक्टिविटी है ये चलती रहती है. पॉलिटिकल एक्टिविटी इमेनेट्स फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ प्रेडिकमेंट, अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट मोर देन वन क्लैश और इंटरैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग एन एलोकेशन ऑफ बाइंडिंग वैल्यूज इन देयर प्रस्पेक्टिव फेवर्स. तो ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है कहाँ से शुरू होती है, एक प्रेडिकमेंट की सिचुएशन से, प्रेडिकमेंट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से शुरू होती है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर बनाती है जिसमें कि लोगों के इंटरेस्ट के बारे में उनका ध्यान रखा जाता है, जो भी क्लैश होते हैं उनका सोल्यूशन निकाला जाता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट में. द मोमेंट अ वॉइस इज रेज्ड इन अ ग्रुप और अ कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन रूल और पॉलिसी ऑन एनी इशू व्हाट्सोएवर अ प्रेडिकमेंट इज क्रिएटेड. तो जब भी कोई किसी ग्रुप में कम्युनिटी में कोई भी आवाज़ उठाता है, प्रेडिकमेंट इज क्रिएटेड मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इन द सेंस दैट इवन टू डिसाइड अगेंस्ट द डिमांड. तो उसमें हमें डिसाइड करना होता है कि उस जो डिमांड रेज की गई है उसके अगेंस्ट जाना है या उस पर एग्री करना है. द मैटर डज नॉट स्टॉप हियर, जो ये जो मैटर है मान लो किसी ने आवाज़ उठाई वो यहीं पे नहीं रुकता. फर्दर प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द मेंबर ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी एडवोकेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉलिसीज. तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब ये मेंबर्स जिन्होंने वॉइस रेज की है वो अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं उनको एडवोकेट करते हैं. द रिज़ल्ट इज़ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, मत इसका रिज़ल्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें क्लैश होता है. एंड द स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन बी अचीव्ड. तो जो रेजोल्यूशन की मतलब जो भी ये झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ इसको कैसे सुलझाया जाए, ये सिर्फ या दो तरीक़ों से हो सकता है, इधर बाय पीसफुल मैनर या तो पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से. शांतिपूर्ण तरीके से कैसे होगा, रीजनिंग से, परसुएशन से, मतलब सामने वाली टीम को अपनी बात मनवाना, एडजस्टमेंट करके कुछ उनकी बातें माननी कुछ हमारी बातें मनवानी, डिप्लोमेसी से, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. पीसफुल तरीके से तो ऐसे ही सॉर्ट आउट होगा, और बाय वायलेंट मींस, या फिर वायलेंट मींस से. वायलेंट में क्या आ जाएगा, फोर्स का यूज़ करना, कोर्शन का, पावर का यूज़ करना. वाइल इन द फॉर्मर केस, जो पहले वाला है पीसफुल वाला, उसमें क्या होगा, कंपीटिंग अगेंस्ट एजेंट्स मे कम पीस मील टू अबैंडन अ पार्ट ऑफ देयर डिमांड्स इन ऑर्डर टू हैव म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन. जो भी उनकी डिमांड्स होंगी उनको पीस मील तरीके से मतलब उनको आधा आधा करके, जो भी उनकी सारी डिमांड्स हैं उनको एज ए होल नहीं देखा जाएगा, उनको एक एक करके देखा जाएगा ताकि कहीं ना कहीं से भी सोल्यूशन ढूंढा जा सके. इन ऑर्डर टू हैव म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ऐसा डिसीजन जो दोनों जो भी हैं उनको, दोनों ग्रुप्स को एक्सेप्टेबल हो. होली और लार्जली प्रिवेल ओवर द डिज़ायर्स ऑफ अनदर. इन द लेटर केस द पॉलिसी ऑफ वन सेक्शन में होली और लार्जली प्रिवेल
ओवर द डिज़ायर ऑफ अदर। जो दूसरा वाला है वायलेंट मीन्स, इसमें क्या है, एक ग्रुप की जो भी डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर दूसरी वाली उनकी खुद की डिज़ायर्स थोप दी जाएंगी। फॉर्मर पोजिशन में भी कॉल द स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस यूनैनिमिटी। फॉर्मर है हमारे पास पीसफुल वाली, पीसफुल वाली में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस यूनैनिमिटी, जिस ऐसा डिसीजन होगा जिसमें सभी एग्री होंगे। इन द लेटर एज इम्पोज्ड कंसेंसस, जो बाद वाली है वायलेंट वो तो इम्पोज ही करा जाएगा, उन पर थोपे जाएंगे जो भी डिसीजंस होंगे। द कॉमन पॉइंट इज़ दैट पोलिटिकल एक्टिविटी स्टॉप एट द पॉइंट ऑफ पोलिटिकल रेस्ट। तो कॉमन पॉइंट ये है कि जो पोलिटिकल एक्टिविटी है, जहाँ पर पोलिटिकल रेस्ट की सिचुएशन अचीव कर ली जाती है, वहाँ पर पोलिटिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। सो जस्ट एज ए सिचुएशन ऑफ पोलिटिकल रेस्ट डज नॉट स्टार्ट अप एनी पोलिटिकल एक्टिविटी, इट ऑल्सो क्लोज डाउन अ साइकिल ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटी। तो ये जो सारा है ये चलता रहता है। किस तरह एक मान लो किसी की वैल्यूज़ अलग हैं, अगर वो आवाज़ उठा देते हैं इससे क्या होता है, जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, फिर उसके रेजोल्यूशन के दो तरीके ढूंढे जाते हैं, या तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका सोल्यूशन ढूंढ दिया जाए, या फिर जो है एक वॉयलेंट तरीका है। तो इन दोनों, तो इसमें पूरे प्रोसेस में होता क्या, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी ही तो हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी ही चल रही है ये, जब जहाँ पर अचीव कर ली जाती है यूनैनिमस स्पॉन्टेनियस यूनैनिमिटी, मतलब सभी एग्री हो जाते हैं, एक्टिविटी जो रुक जाती है वहाँ पे पॉलिटिकल रेस्ट की सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि पॉलिटिकल रेस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। सो यही है, यहाँ तक हमारी थी पॉलिटिकल एक्टिविटी। आगे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।